सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? और ये वाला भाई अभी देखो, रिएक्शन देखो गाइस, चिंता अच्छा था दुल्लो कौन ना जो सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? सो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे गाइस। सो बहुत दिनों बाद मैं फिर से निकल चुका हूँ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, और आज भी आपको रास्ता देख के शायद पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सब भोले बाबा के पास जा रहे हैं ये लोग। सो मैं अभी तो भोले बाबा के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ जय भैया के पास, नया स्टॉक देखने के अभी फ़िलहाल कौन कौन सा बाइक है। बहुत दिनों बाद रास्ता इतना खाली मिला है, अच्छा लग रहा है यार। सामने का रिएक्शन देखो गाइस, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा रिएक्शन मिल जाता है यार। इतने भी सारे बंदे जा रहे हैं ना ऐसे गाड़ी में, सब लोग भोले बाबा के पास जा रहे हैं। और ये वाला भाई देख रहा है अभी, अभी देखो रिएक्शन देखो गाइस, और हजार दो दो हजार 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 तेल भरवा लिया, अभी मेरे पास 3000 और है और ये भी खत्म हो जाएगा तेल के पीछे। और देखते ही देखते मैं आ चुका हूँ, अरे जॉय बाइक्स पॉइंट आज बंद है क्या? अरे यार चलो यार कोई बात नहीं, जॉय भैया के साथ तो मुलाकात नहीं हो पाया क्योंकि बंद है जॉय भाई का शोरूम। तो आदिल भैया गैरेज खोला है कि नहीं? अगर खुला होगा तो पक्का। চিনতে পারছো দাদা দুল্লো কেমন আছো? এ চলছে বুঝ, জয়দার শোরুম বন্ধ আজকে, সোমবার বন্ধ থাকে, সোমবার বন্ধ থাকে, এই রে আমি কখনো সোমবার আসিনি।
देखो यार मैं इतना दूर तक आया हूँ, देख सकते हो राइट साइड पे, देखो यार जॉय बाइक्स पॉइंट है वो बंद है अभी, ठीक है। मैं इतना दूर तक आया हूँ और कोई बात नहीं यार, होता है ऐसा, मैं कल फिर आऊँगा, दोबारा आऊँगा कल जय भाई से मिलने व्लॉग बनाने के लिए। और पता नहीं भाई मैं हमेशा ऐसे क्यों सोचता हूँ कि मैं जय भाई के पास आ रहा हूँ, आदर्श भैया के पास आ रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, और अगर मैं डेली भी व्लॉग बनाता हूँ तो यार वो लोग डिस्टर्ब ना फील करें मेरी वजह से। तो इसी वजह से मैं बहुत कम आता हूँ यहाँ पे। यार सच में मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत लकी हूँ जो आदेश भैया जैसे भैया मिला, जय भाई जैसे भैया मिला, बहुत हेल्पफुल है भाई, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, हमेशा मुझे कहते हैं कि यार कुछ भी हो जाए तुम आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक ही फील्ड में हैं। मुझे गाइस एक चीज़ का पता है कि आप अगर किसी भी चीज़ को इस दुनिया में ना पूरा दिल से चाहोगे ना तो वो आपको पक्का मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा टाइम के बाद मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर भाई। तो इसी वजह से यार मैं हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बुरा वक्त मेरा आए, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। मुझे एक साल क्या, मुझे चार साल लग जाए, लेकिन मैं व्लॉग ऐसे ही डालता रहूँगा यार। मैं अपने आप पे ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक R15 ओनर हूँ, क्योंकि इस सेगमेंट में ऐसा कोई बाइक नहीं है जो इसको टक्कर दे पाए। साउंड के दिख से, लुक के दिख से, किसी भी एंगल से यार इसका कोई भी मुकाबला नहीं है, मतलब कोई भी बाइक नहीं है इसके सामने। हर महीने मैं 4 या फिर 5 ब्लॉग मैक्स टू मैक्स डालता हूँ, लेकिन इस महीने मैं कम से कम 10 से 12 ब्लॉग डालूँगा। और मैं ये चीज़ नोटिस करूँगा कि इसमें आप लोगों का रिस्पांस कैसा आता है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आएगा इस, तो क्या बताऊँ, मैं यही चीज़ कंटिन्यू करूँगा। जितना भी मुझे तकलीफ़ हो, जितना भी मुझे प्रॉब्लम हो, मैं यही चीज़ करूँगा, क्योंकि यार मैं होल नाइट जग के काम करता हूँ, और ऐसा काम कि मैं सो नहीं सकता हूँ उस टाइम पर। तो होल नाइट काम करके मैं दिल में इसी वजह से ब्लॉग डालता हूँ कि यार एक दिन अपना भी ड्रीम कंप्लीट होगा। इसके पिछले वाला जो वीडियो है उसमें आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि एक लड़की R15 देख के ऐसा रिएक्शन देती है। सो गाइस मैं जिस घर से बिलोंग करता हूँ ना, उस घर से R15 मतलब एक ड्रीम होता है, ठीक है। मैं कोई अमीर घर से बिलोंग नहीं करता हूँ कि सुपर बाइक मेरा ड्रीम होगा। मैं एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग के लिए R15 बहुत बड़ा ड्रीम होता है, ठीक है। मेरे पास ये जो बाइक है ना R15, मैं जब ये बाइक लेके अपने मोहल्ले में जाता हूँ ना, सब लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं, क्योंकि उन लोग के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। कभी भी लाइफ में अगर भगवान ने चाहा और मुझे सुपर बाइक मिल गया, तो पता नहीं यार क्या रिएक्शन मिलेगा मेरे मोहल्ले में। और हर किसी के पास बाइक के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता, किसी आम लड़की या फिर आम इंसान के पास। और जब मैं R15 खरीदने गया था, उस टाइम पे मुझे सुपर बाइक के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो मुझे इतना पता था कि मेरा ड्रीम बाइक ये R15 है, इसको मैं हासिल कर लिया एक बार, तो बस मेरा सारा ड्रीम कंप्लीट हो गया। लेकिन जब से मैंने मोटर ब्लॉगिंग देखना शुरू किया, उसके बाद मुझे सुपर बाइक का चस्का लगा, और मुझे अभी ये वाला ड्रीम पूरा कंप्लीट करना है जितना भी टाइम लगे, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत किया था, बहुत पैसे जुगाड़ करके, बहुत पैसे सेविंग्स करके फिर मैंने R15 परचेस किया था। तो भाई हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है भाई।